गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर कर दें जल्द से जल्द, ताकि ये चैनल भी बाकी सब तक पहुँच सके। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला, हम क्या स्टार्ट करने वाले इसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। अब ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 है लेकिन बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ेंगे हम बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये हमारे आएगा इसमें ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 है लेकिन बुक का चैप्टर नंबर 10 है। नाम इसका हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है बेटा, ये इसका नाम है। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज हमको इसमें काम आएगा एक तो हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे। अब देखो, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी वैलेंसी होती है बेटा, 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, होगी ये चीज तो क्लियर। अब बात करना है अपन को हैलोजन व्युत्पन्न। तो बेटा, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन बाहर निकालो और हैलोजन लगा दो, क्या लगा दो, हाइड्रोजन बाहर और हैलोजन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, हैलोजन व्युत्पन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखें, बात करें हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, जैसे मेथेन, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकालो, हैलोजन लगाओ, CH3X मेथिल हैलाइड बन गया, एग्जाम्पल होगा इसका हैलोजन व्युत्पन्न का। ठीक है बेटा, तो अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखें इसको मिटा देता हूं मैं आपके सामने और इसको हम डिफाइन करने का देखते हैं कि भाई हम किसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, डिफाइन कैसे करेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं, एलिफेटिक या फिर क्या हो सकता है, एरोमेटिक, यानी कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन, हेलोजन परमाणु या परमाणुओं, भाई परमाणु मतलब या तो एक हेलोजन या फिर बहुत सारे हेलोजन ले सकते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे मतलब दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है, परमाणु या परमाणु, क्या लिखा अपन ने, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपने एलिफेटिक लिया है, क्या लिया है, एलिफेटिक लिया है, तो फिर वो क्या होगा, अगर आपने एलिफेटिक लिया है तो वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, क्या होगा, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होगा। ठीक है बेटा, और अगर आपने एरोमेटिक लिया तो क्या होगा, हेलो एरीन। ठीक है, यदि क्या हो, यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो, एलिफेटिक हो तो उसे, उसे मतलब हेलोजन उत्पन्न को, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन,
हेलो एल्केन या फिर एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे ये आर एच लिख दिया अपन ने, अब इसमें से क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है और क्या करना है, हेलोजन प्लस करना है आर एक्स, ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन या एल्केलाइड। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो ये मेथेन ले लिया हमने, मेथेन में से हमने क्या किया हाइड्रोजन हटा दिया और हेलोजन प्लस कर दिया, तो क्या हो गया CH3X मेथिल हैलाइड हो गया। क्या हो गया मेथिल हैलाइड, समझ गए बेटा। अब अगर ये यदि हाइड्रोकार्बन कैसा हो, यदि हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो तो उसे क्या बोलेंगे हेलो एरीन, क्या बोलेंगे हेलो एरीन, या फिर क्या बोलेंगे एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे ये लिख दिया अपन ने ए आर एच, यानी ये क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है बेटा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये वाला। इसमें से क्या करना है हाइड्रोजन बांड निकालना है और हेलोजन प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये ए आर एक्स एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। एग्जाम्पल लिखना है बेंजिन ले लो C6H6। ठीक है, इसमें से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, क्या कर सकते हो इसको बना सकते हो, यानी इसका क्लोरीनीकरण करा सकते हो आप, हेलोजनीकरण करा सकते हो और आप इसको किसी में बदल सकते हो एरिल हैलाइड में बदल सकते हो। मान लो एग्जाम्पल ये अपन ने एक्स और हाइड्रोजन बार, तो C6H5 और ये एक्स हो गया हेलो बेंजीन। क्या हो गया बेटा हेलो बेंजीन हो गया, समझ गए बात को। तो ये है हमारे पास हेलोजन व्युत्पन्न, किसे बोलेंगे हेलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हेलोजन या हेलोजन परमाणु या हेलोजन परमाणुओं द्वारा, यानी एक हेलोजन एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा। अगर आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना चाहते हो तो आपको एक से ज्यादा हेलोजन लेना पड़ेगा, समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, हेलोजन उत्पन्न कहलाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है तो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन या एल्केलाइड। अगर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है तो हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, यानी इसका वर्गीकरण। ठीक है, इसके वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे अब, कि भाई ये इसका क्या होता है वर्गीकरण होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं वर्गीकरण, क्या बोलते हैं बेटा वर्गीकरण। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हेलोजन व्युत्पन्न का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दो आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, दो आधार पर, दो आधार पर किया जाता है। कौन कौन से दो आधार हैं, आधार नंबर एक, देखो दो आधार पर इनका वर्गीकरण होगा, एक तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कितने हेलोजन परमाणु हैं इस आधार पर, नंबर दो कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है। ठीक है बेटा, नंबर एक क्या है, क्या बताया था मैंने, नंबर एक, नंबर एक था हमारा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है बेटा, नंबर दो था हमारा हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर, के आधार पर। ठीक है बेटा, दो प्रकार है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, अभी नंबर एक की बात करेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो इस आधार पर किस कितने भागों में बांटा दिया जा सकता है इनको, इस जैसे मोनो डाई पोली। ठीक है, अब देखो मोनो डाई पोली, मोनो डाई पोली में ट्राई टेट्रा इत्यादि आप क्या कर सकते हो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला है जो इसमें वो होगा मोनो हेलो एल्केन या फिर एरीन, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। अब देखो
हेलो एल्केन, तो आप समझ गए, क्या समझ गए आप, कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, एलिफेटिक होगा। अगर एरीन होगा उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आग उसके आगे क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, लेकिन आगे मोनो, मोनो का अर्थ क्या होता है, एक, मोनो का अर्थ होता है एक। यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न है जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं, मोनो हेलो एल्किन या मोनो हेलो एरीन। हेलो एल्किन कब कहलाएंगे, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एरीन कब कहलाएंगे, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें जिनमें केवल एक जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे भाई, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही देखो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, और एग्जाम्पल CH3X, बहुत सारे लिख सकते हो, CH3Cl लिख सकते हो, ये लो C2H5Br लिख सकते हो, एरोमेटिक की लो, तो ये लो एरोमेटिक में लिख लेते हैं, ये लो। ठीक है बेटा, ये सब में एक एक हेलोजन परमाणु है ना, तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन या मोनो एरीन, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, मोनो हेलो एल्केन, और ये क्या है, मोनो हेलो एरीन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, नंबर दो, डाई हेलो एल्केन या एरीन। ठीक है बेटा, डाई का मतलब होता है दो, कितना होता है, दो होता है, यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें दो हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डाइहेलो एल्केन या डाइहेलो एरीन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखें, ये लो, इस पर भी हम दो लगा सकते हैं, ये मान लो दो लगा दिया, इस पर नहीं लगाना चाहो तो बड़ा ले लो, CH3CH, ये Cl और ये Cl, हो गया बेटा, और बड़ा ले लो, CH2CH2, ये Cl और ये Cl, हो गया, एलिफेटिक हो गए, एरोमेटिक लेना है, एरोमेटिक ले सकते हो, ये लो, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हेलोजन को जोड़ दिया। ठीक है, अगले हेलोजन को हमने कहाँ जोड़ दिया, चलो ये यहाँ पर जोड़ दिया हमने हेलोजन को, कहाँ पर जोड़ दिया, वहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है बेटा, हो गया, डाई हेलो एल्केन की एग्जाम्पल हो गई ना। ठीक है, बात करते हैं हम ट्राई हेलो एल्केन की, सी ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, या ट्राई हेलो एरीन। अब वही ट्राई का मतलब कितना होता है, तीन, यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें कितने हो, तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें तीन हेलोजन परमाणु, तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, CHCl3, तीन हो गए ना। ठीक है, ये लो, बड़ा ले सकते हो आप, ये CH2CH, ये CH2, ये यहाँ पर ये हेलोजन और ये हेलोजन हो गए तीन। ठीक है, अगर आपको ये एरोमेटिक में लेना है, ये तो एलिफेटिक थे, एरोमेटिक में लेना है तो एरोमेटिक ले सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इधर जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो और यहाँ जोड़ दो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मोनो डाई और ट्राई, आप टेट्रा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे लिखते जाओगे टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एरीन, फिर ऐसे हेलोजन परमाणु में जैसे टेट्रा लिया, तो ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें चार हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया कंप्लीट, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हम बात करें दूसरे के, तो इसको मिटा देते हैं आगे से, और केवल दूसरे के बारे में बात करेंगे अब, क्योंकि पहला हमारा क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, चलो दूसरे की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसका पहला देखें, दो है ही थी अभी, लेकिन पहले की बात करते हैं। ये sp3 संकरित कार्बन हेलोजन बंद युक्त यौगिक। ठीक है बेटा, अब देखें आप, sp3 संकरित कार्बन बंद युक्त यौगिक का मतलब क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण कितना होगा? sp3 होगा। ठीक है बेटा, यानी हेलोजन परमाणु अगर किससे जुड़ रहा है तो वो कार्बन 100% क्या होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। उनको इसमें हम क्या करेंगे? लेंगे। दूसरा भी होता है sp2 संकरित वाला, हम उसके बाद लिखेंगे उसको। अब देखो, इसका जो पहला प्रकार है वो क्या होता है वो देखिए आप, वो होता है एल्किल हैलाइड, या फिर आप बोल सकते हो हेलो एल्केन। ठीक है बेटा, अब देखो एल्किल किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये CH4, ये है मेथेन। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो प्राप्त स्पीसीज क्या होगी? ये मेथिल। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ तो प्राप्त स्पीसीज क्या कहलाएगी? एल्किल कहलाएगी। समझ गए ना बात को? तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में देखो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हेलोजन परमाणु क्या होगा भाई? इनमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल की बात करें। जैसे ये CH3X C2H5X हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, ये लो CH3CH CH3X और आगे आ जाओ CH3C ये CH3 ये CH3 और ये X हो गया। ठीक है, ये एल्किल समूह, मेथिल समूह है, एथिल समूह है, आइसोप्रोपिल समूह है और 3° ब्यूटिल समूह है। ठीक है बेटा, इनसे जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, इन हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है? एल्किल समूह से जुड़ा था। अब कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये आगे भी डिवाइडेड किए गए, यानी इसको फिर से डिवाइड किया गया कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इस वाले को। ठीक है, ये कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, या कार्बन के आधार पर लिख सकते हो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। चलो नंबर एक क्या होगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या होगा बेटा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, देखो सबसे पहली बात तो, जैसे ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1° कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। ये भी क्या होगा? प्राथमिक कार्बन। लेकिन अगर ये ऐसा है देखो, तो ये कार्बन इन दो कार्बन जुड़ा हुआ, ये तो होगा 2°, ये होगा 1° और ये क्या होगा? 1°। 3° में चलना है तो देखो, ये 1°, 1°, ये 1° और ये क्या हो गया? 3°। यानी ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन, जो दो से अन्य से जुड़ा हो वो द्वितीयक, और जो तीन से जुड़ा हो वो तृतीयक, और जो चार अन्य कार्बन जुड़ा हो वो क्या होगा? चतुर्थ कार्बन होगा। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर, देखो क्या हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें या फिर तुम ऐसे एल्किल हैलाइड लिख सकते हो, ऐसे हेलोजन उत्पन्न, ऐसे एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड लिख सकते हो, एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो बेटा? 1° कार्बन, प्राथमिक को क्या बोलते हैं? 1° कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है,
समझ गए ना बात। जैसे ये इसको भी सिमिल लेते हैं लेकिन अपन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू एक्स, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है समझ गए ना। और बड़ा ले लो आप चाहो तो, ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, ये सी एल, 1 डिग्री है ना बेटा, ठीक है। तो किसे कहेंगे ऐसे हैलोजन उत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कराएंगे प्राथमिक एल्केल ऐड कहलाएंगे। इसी प्रकार नंबर दो होगा वो क्या होगा द्वितीयक, द्वितीयक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री से, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटा। क्या होगा ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न या ऐसे एल्किल एलाइड, ठीक है ऐसे लिख लेते चलो, ऐसे एल्किल एलाइड, ऐसे एल्किल हेलाइड, तुम हेलोजन व्युत्पन्न भी लिख सकते हो बेटा, हेलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखो ये लिखा हुआ फिर से लिख देते हैं, सी एच थ्री सी एच और ये सी एच थ्री एक्स, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, और लिख लो चलो एग्जाम्पल, सी एच थ्री ये सी एच टू सी एच और ये सी एच थ्री ये एक्स, ये हो गया ना 1 डिग्री, 1 डिग्री भी क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। तो दो प्रकार दोगे, तीसरा प्रकार बचा हुआ है जिसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसका तीसरा दो को मिटा देता हूँ, दो के बाद इसका तीसरा लिख देता हूँ। तीसरा प्रकार क्या होगा इसका भाई वो देखें, तीसरे प्रकार के बारे में, ये तीसरा प्रकार क्या होगा सी से रिप्रेजेंट कर, तीसरा तृतीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री से, तो किसे होगा ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होगा हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा, ऐसे एल्किल हैलाइड, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री और ये एक्स, और भी बड़ा एग्जाम्पल लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले सी एच थ्री सी एच टू सी ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री और ये एक्स, ये लो कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है हो गया ना 3 डिग्री, 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके क्या है एग्जाम्पल, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया खत्म। अब इसका आएगा दूसरा, क्या आएगा बेटा दूसरा, पहला तो खत्म, पहले के प्रकार हमने खत्म कर दिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की, ठीक है। इसके प्रकार खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रकार थे इसके, इसके प्रकार थे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब नंबर दो पर आ जाओ, वो होगा एलिलिक, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहली बातों में पता होना चाहिए एलिलिक ग्रुप क्या होता है, समझ गए बात क्या होता है एलिलिक ग्रुप, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर एलिलिक ग्रुप क्या होता है, ये इधर लिख के बता देते, एलिलिक ग्रुप सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एच टू और ये इसकी एक वैलेंसी फ्री, ये है एलिलिक ग्रुप। क्या ये एलिलिक समूह, ठीक है बेटा। अब एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, देखो ये जो संयोजकता जगता फिर ये उससे अगर हेलोजन जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा एलिलिक हैलाइड, यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें, या ऐसे हेलोजन उत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो एलिलिक समूह से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो एलिलिक समूह से, एलिल समूह भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम, किससे जुड़ा हो एलिलिक समूह जुड़ा हो क्या कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे, ठीक है बेटा। देखें ऐसे ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु एलिलिक समूह, एलिलिक समूह से जुड़ा हो, ठीक है। अर्थात आप इसको अर्थात में क्या लिख सकते हो देखें, अर्थात ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक, देखो मैं एग्जांपल नीचे लिखता हूं, पहले ये
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हेलोजन, यानी अर्थात ऐसे जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा, जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा वो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा। देखो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा होगा, इसका संकरण देखो कितना है, इसका संकरण है sp3, कितना है बेटा sp3, यानी इसमें हेलोजन जुड़ा तो sp3 संकृत कार्बन से होगा लेकिन वो sp3 संकृत कार्बन किससे जुड़ा होगा, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एलएल के लड़ेंगे, अर्थात ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है वह आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या हो गया, अर्थात ऐसे हेलोजन उत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है वह आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है या जुड़ा हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए ना, चलो अगले की बात करेंगे। ठीक है, ये दो हो गए, इसका इसका तीसरा भी बाकी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका तीसरा हम बनाएंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नाम नहीं मिटा रहा, केवल डेफिनेशन मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है ना, अब इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है इसका, क्या होगा इसका थर्ड पार्ट जो है, बेंजीलिक हैलाइड, क्या होगा बेटा, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है ना, अब ये जो बेंजीलिक हैलाइड है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीलिक समूह क्या होता है, क्या होता है बेंजीलिक समूह, देखें बेंजीलिक समूह ये होगा, ये CH2, ठीक है, क्या ये बेंजीलिक समूह, बेंजील समूह ही बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बेंजीलिक समूह। ठीक है, अब देखो इसका संकरण कितना है, sp3 है, क्योंकि ये आगे किसी से जुड़ा है, किससे आगे किससे जुड़ा है। अब इससे अगर हेलोजन परमाणु जोड़ दो, ये हमने इसका हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो किसे डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन सीधा किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वाले से जुड़ा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या होगा बेटा, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन सीधा एरोमेटिक वले बोलो तो क्या लिख सकते हो, बेंजीन वले से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, बेंजीलिक हैलाइड कहलाएंगे। तो sp3 के कितने हो गए बेटा, तीन, एक तो एल्किल हैलाइड, एक एलिलिक हैलाइड और एक क्या हो गया, बेंजीलिक हैलाइड। समझ गए ना बात को, ठीक है ना। अब दूसरा क्या आएगा, sp2 वाला आएगा, क्या आएगा बेटा, sp2 वाला। तो अब इसका दूसरा देखेंगे, sp2 वाला, sp2 संकृत कार्बन से कैसे होगा, देखें क्या होगा, नंबर दो था उसका, sp2 संकृत कार्बन हेलोजन बंद युक्त यौगिक। ठीक है बेटा, sp2 संकृत कार्बन हेलोजन बंद युक्त यौगिक, समझ गए। चलो नंबर एक इसका, वाइनिल हैलाइड,
ठीक है। देखो वाइनिल समूह किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो वाइनिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है वाइनिल ग्रुप। क्या होता है बेटा, ये वाइनिल ग्रुप होता है। अगर इससे हेलोजन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, वाइनिल हैलाइड। अब क्या बोलेंगे देखो, कि ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं, वाइनिल हैलाइड कहलाते हैं। या फिर यूं बोल सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp2 संकृत कार्बन से, देखो sp2 ये ना एक तो डबल बॉन्ड हो गया तो उसको एक ही काउंट करना है, एक दो और एक तीन sp2, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है वो द्विबंध बनाता है। क्या बनाता है, वो द्विबंध बनाता है या फिर दूसरे कार्बन साथ द्विबंध से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो भाई, वाइनिल समूह से जुड़ा होता है अर्थात हेलोजन परमाणु जिस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह क्या होता है भाई, जिस sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है वह द्विबंध का निर्माण करता है यानी यूं बोल सकते हो आगे जाकर दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटा, इसका नंबर दो है हमारे पास एरिल हैलाइड ठीक है, या हेलो एरिन बोल सकते हो। ठीक है बेटा, देखें ये हमारे पास एरोमेटिक वाले है और इसकी कोई वैलेंसी मान लो हमने ये छोड़ दी, हम नहीं भी छोड़े तब भी क्या है, ये सब sp2 संकृत कार्बन है, सबके सब क्या है sp2 संकृत कार्बन है, और जब इससे कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेलोएरिन बोलेंगे। ठीक है, यानी क्या डिफाइन कर सकते हो आप इसको, हम क्या बोलेंगे, sp2 संकृत कार्बन है तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु क्या भाई, हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा, इस कार्बन से। ठीक है, क्या होगा भाई, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वाले से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वाले से जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वाले से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या, या फिर क्या बोल सकते हो आप, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वाले के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड या हेलोएरिन कहलाएगा। तो बेटा एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।